नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। तमाम उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों को देखने के लिए अब वन स्टॉप हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले ताजा अपडेट पहुंचे आपके पास। तिराहा है मस्किनवा रोड, बफनान रोड और अयोध्या धाम के लिए आने जाने वाले यात्रियों को कड़ाके के ठंड में बड़ी तकलीफ होती है अलाव जलाने के लिए। ये विजय गुप्ता नाम के आदमी जो अपने तरफ से जला रहे हैं। भाई साहब का शुभ नाम? विजय कुमार गुप्ता, ग्रामपुर सिकंदरपुर थाना बदनाम। ये अलाव अपने तरफ से जला रहे हैं? जी जी हाँ। तो ये अलाव अपने तरफ से जला रहे हैं, सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं है मेरे बगिया। और ये इनका बाग का लकड़ा है, हम काट करके लाए हुए हैं, जला रहे हैं। और मैं मांग कर रहा हूँ रेंजर से कि ये यहाँ सूखा पेड़ है, सूखा पेड़ देखो सामने, सूखा पेड़ है दिखाओ, तो सूखा पेड़ है, इसे लकड़ काटने के लिए जो यहाँ पर अलाव जला है। काफ़ी आदमी आज डूबते हैं यहाँ पर, ठंड बड़ा की ठंड है जो रात से लेकर के और 10 बजे दिन तक के बड़े कड़ाके ठंड पड़ता है। आने जाने वाले यात्री को बड़ा तकलीफ होता है, किसी को ठंड लग गया, कोई बात हो गया तो उसको है यानी समझ लीजिए कि बड़ी दुख वाली बात होगा। और सरकार की तरफ से अभी जो ब्लॉक की तरफ से कोई भी अधिकारी यहाँ नहीं आया, अलाव के लिए लकड़ नहीं दिया है और ये लकड़ का व्यवस्था कराया जा रहा है। रंजन से कह रहा हूँ अभी लकड़ का व्यवस्था में करा करके उनसे कह रहा हूँ कि लकड़ का व्यवस्था करिए। हंगामा टाइम न्यूज ब्यूरो राम गोपाल कश्यप, सिकंदर बाजार, बस्ती। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना।